गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए अब आईसीआई का एमसीक्यू का लास्ट सेट अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वन, जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग शैल बी असाइन टू ओनली ए पर्सन हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस कलेक्ट टीसीएस ओनली ए कंपोजिशन डीलर ओनली एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और डी एवरी रजिस्टर पर्सन। तो करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एंड दिस इज कंप्लीटली न्यू इन जीएसटी। इससे पहले किसी भी टैक्स के अंदर, चाहे वो इनकम टैक्स हो यानी डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसमें कंप्लायंस रेटिंग करके कोई भी प्रोविजन नहीं था। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है। क्वेश्चन टू, वेयर द नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग authority determined that a registered person has not passed on the benefit of input tax credit to recipient by way of communist rate reduction in price, the authority may order reduction in price, imposition of prescribed penalty, cancellation of registration. Which of the above options are correct? ये तीनों का तीनों National Anti Profiteering Authority order दे सकता है under section 171। ओके, इसके अलावा एक रूल 133 के अंदर अमेंडमेंट भी है जो इसमें चौथा पॉइंट नहीं दिया हुआ, वो ये है दे कैन आल्सो ऑर्डर, मींस नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी कैन आल्सो ऑर्डर टू रिटर्न द मनी टू रेसिपिएंट जिसने एक्चुअल में एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है अलोंग विथ 18% इंटरेस्ट। तो ये आप ध्यान रखना। ओके, तो द करेक्ट आंसर, ये तीनों ही सही है इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या होगा, बी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 3, सुकन्या ए रजिस्टर्ड सप्लायर फेल टू पे द जीएसटी अमाउंटिंग टू ₹5,000 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, द प्रॉपर ऑफिसर इम्पोज ए पेनल्टी ऑन सुकन्या फॉर फेलर टू पे टैक्स। सुकन्या बिलीव्स दैट इट इज ए माइनर ब्रिच and in accordance with the provision of section 126 of the CGST Act 2017, no penalty is imposable for minor breaches of tax regulations. In this regard, which of the following statement is true? पहली बात, section 126 के हिसाब से minor breach है क्या? Section 126 बोलता है less than 5,000 rupees, not up to 5,000. तो बेसिकली इतना अमाउंट बरोबर क्या, 5,000, तो ये माइनर ब्रिच नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126। अब स्टूडेंट मेरे को काफ़ी बार बोलते हैं सर ये तो बहुत मतलब गड़बड़ है, कापी में अप टू है, कापी में लेस देन है, किसी में एक्सीडिंग है, तो सर ये याद कैसे रहेगा? कोशिश करिए कि आप 2-3 पेज का नोट बना लीजिए और उसको डेली बेसिस पे एक बार पढ़िए। ओके, दैट इज द ओनली ऑप्शन यू हैव, देर इज नो फिक्स फार्मूला। तो द सेक्शन 126 से लेस देन 5,000, सो इट इज नॉट माइनर ब्रिच। सो नाउ लेट गो थ्रू द स्टेटमेंट दैट विच इज ट्रू। पेनल्टी इज लेवियबल ऑन सुकन्या सिंस द ब्रिच इज कंसिडर्ड एज ए माइनर ब्रिच ओनली इफ अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन ₹5,000। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला, सेक्शन 126 क्या बोलता है, लेस देन 5,000, करेक्ट। Penalty is not leviable on Sukanya since the breach is considered as a minor breach if amount of tax involved is up to 5,000. Wrong, क्योंकि section 126 clear cut less than ₹5,000 बोलता है। Penalty is leviable on Sukanya since the breach is considered as a minor breach only if amount of tax involved is nil. Wrong, none of the above. Wrong, तो हमको पहले ही आंसर मिल गया था लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था इसलिए चारों ऑप्शन पढ़े। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर अमाउंट फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 आर, ए मिनिमम हायर ऑफ 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000, मैक्सिमम हायर ऑफ 150% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹30,000। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये तो आपको याद करना पड़ेगा इसलिए डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन 5, मिस्टर ए सोल प्रोप्राइटर हैज टू अपीयर बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, ही डिसाइड टू अपीयर बाय एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव,
Which of the following persons can be appointed as authorized representative of Mr. A under GST law? Sohan, his son, who has been dismissed from a government service lately. तो सेक्शन 116 जो इसका ड्राइविंग सेक्शन है वो क्लियर कट बोलता है डिसमिस फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्विस नॉट एलिजिबल. रोहन एक कंपनी सेक्रेटरी, तो सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी एलिजिबल होता है क्या? यस होता है. सीए सीएमए सीएस तीनों एलिजिबल है. हु हैज बीन एडजस्ट इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट है तो नॉट एलिजिबल इवन दो रोहन इज ए कंपनी सेक्रेटरी. मुकुल ए प्रैक्टिसाइजिंग हाई कोर्ट एडवोकेट एलिजिबल एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो ये दो तो एलिजिबल है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये आंसर भी गलत है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, मुकुल ए प्रैक्टिसाइजिंग हाई कोर्ट एडवोकेट. क्वेश्चन 6, रूपम विशेष टू फाइल एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन नॉट रेफ्यूज टू एडमिट हिज अपील. तो सबसे पहले ये डिस्क्रिशनरी पावर है अपीलेट ट्रिब्यूनल को कि दे कैन रेफ्यूज टू एडमिट अपील. वो कौन सा सेक्शन है? द ड्राइविंग सेक्शन इज 112 ऑफ जीएसटी एक्ट. अमाउंट क्या है? अप टू 50,000. क्या है? अप टू 50,000. ओके, तो फर्स्ट अमाउंट ऑफ टैक्स आईटीसी और डिफरेंस इन टैक्स, डिफरेंस इन आईटीसी इन्वॉल्व एक्सीड रुपीज 50,000. तो ये एक्सीड रुपीज 50,000 है. हमको आंसर क्या करना? कैन नॉट रेफ्यूज. मैंने क्या लिखा था? अप टू 50,000 दे हैव डिस्क्रिशनरी पावर. तो दिस इज एक्सीडिंग 50,000, तो दे कैन नॉट रेफ्यूज. ओके, तो दिस इज फर्स्ट करेक्ट आंसर. अमाउंट ऑफ फाइन फी और पेनल्टी डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर एक्सीड रुपीज 50,000. अगेन एक्सीड, तो यहां भी उनको डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. दे हैव डिस्क्रिशनरी पावर अप टू 50,000. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. अमाउंट ऑफ टैक्स आईटीसी और डिफरेंस इन टैक्स, डिफरेंस इन आईटीसी इन्वॉल्व इज रुपीज 50,000. तो यहां अप टू 50,000 तो मैंने लिखा ही है, तो रुपीज 50,000 अप टू 50,000, तो यहां उनको डिस्क्रिशनरी पावर है. दे कैन रेफ्यूज. अपने को आंसर करना कैन नॉट रेफ्यूज. अमाउंट ऑफ फाइन फी और पेनल्टी डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर इज 50,000. ये भी गलत है. ओके, अमाउंट ऑफ टैक्स आईटीसी और डिफरेंस इन टैक्स, डिफरेंस इन आईटीसी इन्वॉल्व इज लेस देन रुपीज 50,000. डिस्क्रिशनरी पावर है उनको. ये भी गलत है. अमाउंट ऑफ फाइन फी और पेनल्टी डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर इज लेस देन रुपीज 50,000. रॉन्ग. ओके, तो ये चारों में डिस्क्रिशनरी पावर उनको है और इन दो के अंदर नहीं है. और हमको आंसर देना कैन नॉट रेफ्यूज. तो करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2. ओके, क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म. तो ये कौन सा चैप्टर के अंदर? मेरे हिसाब से चैप्टर 20, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस. सेक्शन कौन सा? सेक्शन 90. ए, रिटायरिंग पार्टनर एंड नॉट द फर्म शैल इंटीमेट द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट टू द कमिश्नर. रिटायरिंग पार्टनर शैल बी लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी ड्यू अप टू द डेट ऑफ सच इंटीमेशन. रॉन्ग. ओके, इंटीमेशन तक नहीं. द फर्म और रिटायरिंग पार्टनर एंड नॉट द फर्म, दोनों में से कोई भी कर सकता है. द फर्म एंड नॉट द रिटायरिंग पार्टनर शैल इंटीमेट द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सच पार्टनर टू द कमिश्नर. रिटायरिंग पार्टनर शैल बी लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी ड्यू अप टू द डेट ऑफ सच इंटीमेशन. रॉन्ग. इधर रिटायरिंग पार्टनर और द फर्म शैल इंटीमेट द डेट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ सच पार्टनर टू द कमिश्नर. रिटायरिंग पार्टनर शैल बी लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी ड्यू अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट वेदर डिटरमाइंड और नॉट ऑन दैट डेट. दिस इज करेक्ट आंसर. ओके, this is wrong only because this is a last option. We already got the answer, but let read out. Either retiring partner or the firm shall intimate the date of the retirement of such partner to the commissioner. Retiring partner shall be liable to pay tax, interest or penalty due up to date of such intimation. Nahi. Wrong answer. To agar wo ek mahine ke andar, the time period is 1 month, they have to intimate the commissioner, then in that scenario
ही इज रेस्पॉन्सिबल अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। अगर नहीं करता है तो जब तक वो इंटीमेट नहीं करेगा जब तक वो रेस्पॉन्सिबल होगा। ओके, सेक्शन 90 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। क्वेश्चन 8, टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ सो कॉज नोटिस इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ आईटीसी इज ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट एक्सेट्रा इच। तो सबसे पहले अदर देन इज द कीवर्ड, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 73। हमको पता क्या करना है, टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ सो कॉज नोटिस, ऑर्डर नहीं नोटिस। ओके, तो ऑर्डर की डेट क्या है? 73 सब सेक्शन 10 में है। अदर देन है तो 3 ईयर्स है फ्रॉम डेट ऑफ एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ SCN 73 सब सेक्शन 2 में बिफोर 3 मंथ्स एटलीस्ट, करेक्ट। तो कितना हो गया? 2 ईयर्स एंड 9 मंथ फ्रॉम एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट। सो ए, 2 ईयर्स एंड 9 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द डिमांड पर्टेन। पहली बार में करेक्ट आंसर मिल गया, सो दिस इज करेक्ट। ओके, सो यू नीड टू क्लब 2 सेक्शन टू अंडरस्टैंड 73 सब सेक्शन 10 एंड 73 सब सेक्शन 2। ये ऑर्डर बताता है 3 साल में उसको ऑर्डर देना है फ्रॉम एनुअल फाइलिंग रिटर्न डेट, और ये बोलता है उस ऑर्डर के 3 महीने पहले तक SCN इशू हो जाना चाहिए। देन क्वेश्चन 9, रोचेस्टर प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन इशूड ए सो कॉज नोटिस ऑन 31/8/2021 अंडर सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट 2017 ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1/7/2017 एंड 31/12/2017। एच पर सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 इन द गिवन केस SCN कैन बी इशूड लेटेस्ट बाय, अभी हमने देखा है ये, तो सबसे पहले कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये 17-18 है। इसकी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है? 31/12/18। इससे हम क्या देखेंगे? 2 ईयर्स 9 मंथ, करेक्ट। तो 2 ईयर्स 9 मंथ कब होगा? 39/2021, दिस इज आवर आंसर। ओके, और मान लीजिए अगर ये 74 सेक्शन होता तो क्या होता? तो 6 मंथ पहले करना पड़ता, तो 4 ईयर 6 मंथ, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ सो कॉल्ड नोटिस इन केस ऑफ एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इच। तो आपने कलेक्ट किया है रेसिपिएंट से लेकिन पे नहीं किया, तो वो कौन सा सेक्शन है उसके लिए? सेक्शन 76। उसमें कोई टाइम लिमिट दी है क्या? दे नो टाइम लिमिट। अगर आपने कलेक्ट किया है तो गलती से भी उसको पी एंड एल में बुक मत करना, चाहे 5 साल हो या 10 साल हो, यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। तो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन 11, फॉर वैल्यूएशन पर्पजेज अंडर द कस्टम एक्ट 1962 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड बी कंसिडर्ड एज हैविंग बीन मेड बिटवीन रिलेटेड पर्सन। तो रिलेटेड पर्सन किस में कवर है? कस्टम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल 2 के अंदर। ओके, तो चलिए अब इसके हिसाब से देखते हैं, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो रूल 2 के अंदर दिया हुआ है रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन, वो सेक्शन 15 CGST एक्ट के अंदर भी सेम है। ओनली कस्टम के अंदर 5% है शेयर होल्डिंग के मामले में, और CGST के अंदर 25% है, बस यही फर्क है। ओके, तो चलिए सबसे पहले, ए फॉरेन कंपनी ए लिमिटेड हैविंग ए जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनी बी लिमिटेड इन द नेम ऑफ ए बी लिमिटेड द ट्रांजेक्शन बिटवीन ए लिमिटेड एंड ए बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड इसको कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली कर रहा है, बेसिकली इनडायरेक्टली भी नहीं बोल सकते। ओके, तो इसलिए ये करेक्ट है, दिस इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ए फॉरेन कंपनी ए लिमिटेड हैविंग ए जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनी बी लिमिटेड इन द नेम ऑफ ए बी लिमिटेड द ट्रांजेक्शन बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। तो ये तो पार्टनर हो गए आपस में, तो इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो दीज पीपल आर रिलेटेड पर्सन्स। ए इनकॉर्पोरेटेड ए कंपनी इन USA अपॉइंट मिस्टर एक्स एज इज सोल एजेंट टू सेल इस प्रोडक्ट इन इंडिया द ट्रांजेक्शन बिटवीन ए इनकॉर्पोरेटेड एंड मिस्टर एक्स।
सोल एजेंट, तो वो तो डायरेक्टली कवर है, तो इसमें तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर आप डेफिनेशन देखोगे रिलेटेड पार्टी की, ओके, तो उसमें डायरेक्टली है, तो ये भी रिलेटेड पार्टी है। फोर्थ वन, ए इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ने यूएसए होल्डिंग 30% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ इंपोर्टर कंपनी बी लिमिटेड, द ट्रांजेक्शन बिटवीन ए इनकॉर्पोरेटेड एंड बी लिमिटेड। अब ये रिलेटेड पार्टी नहीं है। जैसे मैं नो लिखता हूँ वैसे हो सकता आपके दिमाग में खिसके कि सर ने अभी तो बोला 5% है, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंदर कितना है, कस्टम के अंदर देखोगे तो 5% और जीएसटी के अंदर कितना है, 25%। तो दोनों के हिसाब से ये रिलेटेड पार्टी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में कंट्रोल होना चाहिए शेयर होल्डिंग के साथ में। तो कंट्रोल है क्या? नॉर्मली ये कंट्रोल कब एंजॉय करेगा? जब इसके पास मेजोरिटी हो। मेजोरिटी मतलब एटलीस्ट 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो तब कंट्रोल होगा। तो इसलिए ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, और ये आईसीआई की अप्रोच है, और इसके अंदर आप है ना जाके एग्जांपल दे सकते हो, वो आईसीआई मॉड्यूल के अंदर भी दिया हुआ है और वो सेम एग्जांपल मेरी बुक के अंदर भी है। तो इसलिए ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, क्योंकि कंट्रोल इज लैकिंग। ए इनकॉर्पोरेटेड कैन नॉट कंट्रोल बी लिमिटेड बिकॉज ए इनकॉर्पोरेटेड डजंट हैव मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिलेटेड पार्टीज। ओके, तो अपनारा आंसर क्या हुआ? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 कहाँ है? सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेबल इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर रूल 10 सब रूल 1 ऑफ द कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स रूल्स 2007। ये तो थर्ड वाला सेम आ गया कल जो हमने डिस्कस किया था, डायरेक्टली बाइंग कमीशन। ओके, बाइंग कमीशन कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन 13, फॉर डिटरमाइनिंग द सीआईएफ प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स सर्टेन एडिशन हैव टू बी मेड टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स अंडर रूल 10 सब रूल 2 ऑफ द कस्टम वैल्यूएशन डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल 2007। इफ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट एसर्टेनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बिफोर कस्टम होते देन सच सम इज, तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं दिया हुआ हो तो कितना होता? 1.125% ऑफ एफओबी। करेक्ट, क्लियर। और फ्रेट कितना होता? 20% ऑफ एफओबी। अगर एक्चुअल है तो एक्चुअल, लेकिन एयर फ्रेट है तो रेस्ट्रिक्टेड अप टू 20% अगर एक्चुअल ज़्यादा है तो। इन दोनों के ऊपर फ्रेट मान लीजिए वेसल फ्रेट है सब है तो कोई लिमिट नहीं है, मतलब एक्चुअल ज़्यादा है 20% ऑफ एफओबी तो भी हम लोग वो कंसिडर करेंगे, और इंश्योरेंस भी अगर 1.125% से ज़्यादा है ओके एक्चुअल तो वो कंसिडर करेंगे, अगर नहीं दिया गया तो हम लोग ये परसेंटेज लेंगे, लेकिन एयर फ्रेट के मामले में हमेशा हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे 20% को। तो अगर एक्चुअल दिया हुआ है वो ज़्यादा है, मान लीजिए 30% है, तो वी विल रेस्ट्रिक्ट टू 20%। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन 20% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स, रॉन्ग। 1.125% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स, करेक्ट। ओके, वेयर फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू इज नॉट एसर्टेनेबल बट सम ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू यानी एफओबी एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन आर अवेलेबल देन 1.125% ऑफ सच सम। तो ये करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है, क्योंकि अगर एफओबी दिया हुआ तो डायरेक्टली, अगर एफओबी नहीं है और एफओबी प्लस ये फ्रेट है सब है तो उसका 1.125%। तो दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। वे फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू इज नॉट एसर्टेनेबल बट सम ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन आर अवेलेबल देन 20% ऑफ सच सम। नहीं, गलत। 20% किसके मामले में है? फ्रेट के मामले में। और 1.125% किसके मामले में? इंश्योरेंस के मामले में। ओके, तो जानबूझकर इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों आंसर दिए, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, आप याद रखना इंश्योरेंस 1.125%, फ्रेट 20%। ओके, तो आवर आंसर इज सेकंड एंड थर्ड, तो वेयर सेकंड एंड थर्ड? सी ऑप्शन। क्वेश्चन 14, सर्टेन गुड्स वर इंपोर्टेड बाय एयर, द फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स इज ₹100, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इज 25, यानी ये एक्चुअल है। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ₹10,
For the purpose of Rule 10, Sub Rule 2 of the Custom Valuation, Determination of Value of Imported Goods Rule 2007, which of the following shall be deaded to the value of imported goods? तो सबसे पहले एयर फ्रेट है, तो मैंने अभी ऊपर आपको बोला था अगर एयर फ्रेट है तो रेस्ट्रिक्टेड अप टू 20%, अगर एयर फ्रेट नहीं है तो एक्चुअल, अगर ज़्यादा है तो वो लेंगे, और इंश्योरेंस के मामले में एक्चुअल है तो एक्चुअल लेंगे, एक्चुअल नहीं है तो 1.125% ऑफ FOB, या FOB नहीं है तो FOB प्लस फ्रेट का। ओके, तो इसमें इंश्योरेंस तो 10 रुपये दिया हुआ है, 100 रुपीज से ये भी दिया हुआ है, क्या बोलते हैं FOB, एयर फ्रेट 25 है लेकिन हम उनको FOB का 20% तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो कितना होगा 20। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस 20 एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज 10। ओके, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स? बाइंग कमीशन इज नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, तो हमको क्या पता करना है? नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाई CBIC ऑन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री इज टू बी कंसिडर्ड, ये भी करेक्ट है, हमको पता क्या करना है? नॉट करेक्ट। सी, फॉर इम्पोर्ट बाई एयर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेज अप टू प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन कैन नॉट एक्सिड 20% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स, यह भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज लेवियबल ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी इंटीग्रेटेड टैक्स एंड GST कंपनसेशन सेस, ये रॉन्ग है, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसने क्या पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो दिस SWS पहले हमने MCQ भी किया था, BCD पे लगता है, IGST और कंपनसेशन सेस पे नहीं लगता, प्रोटेक्टिव ड्यूटीज के ऊपर भी नहीं लगता। ओके, क्वेश्चन 16, SCN वॉज एडुकेटेड बाई कमिश्नर ऑफ कस्टम, द SSC वॉन्ट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द एजुकेशन ऑर्डर, द अपील वुड लाई टू, किसके पास जाएगा ये? सेटेट के पास। ओके, क्योंकि कमिश्नर अपील और कमिश्नर सेम लेवल के हो गए, तो कमिश्नर अपील कहाँ लेता है? जब उसके कमिश्नर के नीचे लेवल का कोई एजुकेटिंग ऑफिसर होता है वो ऑर्डर देता है, तो वो कमिश्नर अपील के पास जाता है, और अगर कमिश्नर ऑफ कस्टम कोई ऑर्डर देता है तो डायरेक्टली वो ट्रिब्यूनल में जाएगा, जो कस्टम के अंदर क्या है, सेस्टेट। ओके, क्वेश्चन 17, सम डिसीजंस ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल डायरेक्टली अपीलेबल टू सुप्रीम कोर्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिस्प्यूट इन्वॉल्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली अपीलेबल टू सुप्रीम कोर्ट? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये डायरेक्टली अपीलेबल नहीं होता, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। रेट ऑफ ड्यूटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, यू कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम ट्रिब्यूनल टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसने क्या पूछा, नॉट डायरेक्टली अपीलेबल, तो हमारा ऑप्शन है ए। ओके, क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द सेटलमेंट कमीशन अंडर सेक्शन 127B ऑफ द कस्टम एक्ट 1962? द केस शुड नॉट रिलेट टू क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, द एडिशनल अमाउंट ऑफ ड्यूटी एक्सेप्टेड बाई द एप्लीकेंट एक्सीड ₹3 लाख, ये तो करेक्ट है, हमको क्या पता करना, नॉट करेक्ट, तो ये दोनों तो करेक्ट है। द एप्लीकेंट शुड हैव पेड द एडिशनल ड्यूटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आपको अपील फाइल करने के पहले, मतलब आप जब भी एप्लीकेशन दोगे, नॉट अपील, क्योंकि सेटलमेंट कमीशन के सामने आप एप्लीकेशन दोगे, अपील नहीं करोगे। ओके, तो आपको जो भी एडिशनल ड्यूटी है उसके साथ में इंटरेस्ट है वो फाइल करना पड़ता है। देन द एप्लीकेशन कैन बी विदड्रॉन एट एनी स्टेज ऑफ सेटलमेंट प्रोसीडिंग, दिस इज रॉन्ग। वाई? अगर लॉजिकल भी सोचोगे आप, तो अगर ये अधिकार दे दिया तो जब भी उसका अनफेवरेबल होने आएगा तो विदड्रॉ कर लेगा, तो ये ऑप्शन एप्लीकेंट को नहीं है। क्वेश्चन 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द रिफंड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 इज क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, इफ द इम्पोर्टर प्रूव दैट द देर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट, तो अगर उसने प्रूव कर दिया तो उसको मिल जाएगा, हम लोग को आंसर क्या करना है, क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, तो ये तो क्रेडिट नहीं होगा, ये तो इम्पोर्टर को मिल जाएगा। वेयर गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर नॉन पर्सनल यूज ऑफ एन इंडिविजुअल, इस मामले में वो क्रेडिट होगा, सो दिस इज करेक्ट आंसर। अगर वो पर्सनल यूज के लिए होता, ओके,
तो उसको रिफंड मिल सकता था। क्लियर? तो इफ इम्पोर्ट वर मेड बाई एन इंडिविजुअल फॉर इज पर्सनल यूज तो उसमें रिफंड अलाउ है। ये इसने क्लियर कट यूज किया वर्ड नॉन पर्सनल, तो इसके अंदर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट होगा। इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड रिलेट टू ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 74 एंड 75 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, तो वो तो मिलता ही है, ड्रॉबैक का क्लेम है। इफ द अमाउंट रिलेट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन गुड्स विच हैव बीन रिटर्न टू एक्सपोर्टर एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 26 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, तो अगर उसने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया, रिटर्न आ जाता है, तो उसका टाइम फ्रेम है, तो उसके ऊपर रिफंड मिल जाता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना, उसमें एक प्रोविजन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर ये रीसेल होके आता है तो रिफंड अलाउ नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें अलाउ है। हमको देखना क्या है, क्रेडिट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, मतलब अलाउ नहीं है, रिफंड नहीं मिलेगा, तो वो ऑप्शन बी जो हमको पहले मिल गया था। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिटेड इन ए स्पेशल वेयर हाउस अंडर सेक्शन 58A ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिकल, ये तो डिपॉजिट होता है, ये भी डिपॉजिट होता है, सप्लाई इज स्टोर टू वेसल एयरक्राफ्ट, सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप्स इन ए कस्टम एरिया, सप्लाई मेंट फॉर गवर्नमेंट यूज, दिस इज करेक्ट आंसर, नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड। क्वेश्चन 21, मेसर्स देवभूमि राइस प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी इज प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ माइलिंग ऑफ पेडी इन टू राइस, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। द कंपनी हैज मेड फॉलोइंग सप्लाईज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड ऑफ अप्रैल 2018 टू सेप्टेम्बर 2018, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ राइस 50 लाख, पैकिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस 30 लाख, प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑफ माइलिंग ऑफ पेडी इन टू राइस 1 करोड़। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल ऑन द अबाउ सप्लाईज एज्यूमिंग रेट ऑफ टैक्स एज 5%। सबसे पहले ये दोनों एग्जम्प्ट सीरियल नंबर 24, नोटिफिकेशन नंबर अब तो आपको याद हो गया होगा, मैंने काफ़ी बार लिखा है 12/2017, सी जी एस टी रेट की है और आई जी एस टी क्या है 09/2017, मैंने इतनी बार लिखी है तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट, प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑफ माइलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस रुपीज 1 करोड़। तो ये क्वेश्चन भी आया था, उस समय मैंने बताया था कि ये एग्जम्प्ट नहीं है, इसका सर्कुलर आया था 19/19/2017, उसके हिसाब से ये एग्जम्प्ट नहीं है सीबीआईसी के सर्कुलर के हिसाब से। तो हमको क्या है, टैक्स निकालना है, तो ये दोनों तो एग्जम्प्ट है, तो इसके ऊपर तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, 1 करोड़ के ऊपर डायरेक्ट 5%, तो आंसर इज 5 लाख रुपीज। क्वेश्चन 22, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी हैज इन्वाइटेड ऑनलाइन बिड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ बस स्टॉप्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम 1 January 2018 to 31 December 2018। द वर्क इन्वॉल्व कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज बींग द प्रिंसिपल सप्लाई इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई। मिस्टर अक्षय कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन जीएसटी इन गुजरात वांट टू बिड फॉर द सेम, ही सीक्स योर ओपिनियन टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबाउट टू कोट द बेस्ट प्राइस। मैंने पिछले एमसीक्यू में भी आपको एम्बुलेंस के समय बताया था कि अंडर एंट्री नंबर सीरियल नंबर 3 प्योर सर्विसेज तो एग्जम्प्ट है क्योंकि ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ओके, और 3A के अंदर जो बाद में गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया था, अमेंड किया था, उसके अंदर 25% तक गुड्स है, कंपोजिट सप्लाई है, तो एग्जम्प्ट है। तो 25% क्लियर कट लिखा हुआ है ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई, तो दिस इज एग्जम्प्ट, द करेक्ट आंसर इज सी, ओके। तो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 का 3A के अंदर ये एग्जम्प्ट है। क्वेश्चन 23, मिस्टर हैप्पी सिंह इज ए रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़, द मैरिज ऑफ इज डॉटर खुशी कौर हैज बीन फाइनलाइज विथ मिस्टर लवली सिंह NRI सेटल्ड इन कैनेडा, द मैरिज इज शेड्यूल्ड ऑन 14 February 2019 इन चंडीगढ़, मिस्टर हैप्पी सिंह वांट टू सेंड 5000 मैरिज इनविटेशन कार्ड टू ऑल इज रिलेटिव एंड फ्रेंड टू अटेंड द मैरिज, ही हैज टू सेंड द इनविटेशन बाय स्पीड पोस्ट, ही इज नॉट श्योर अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ स्पीड पोस्ट सर्विस अंडर GST रिजाइम, ही सीक्स योर हेल्प इन डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन स्पीड पोस्ट। तो जितनी भी एंट्री है उसके अंदर सब के अंदर लिखा हुआ एक्सेप्ट स्पीड पोस्ट
ओके एक्सप्रेस पार्सल, ओके तो इसका मतलब वो टैक्सेबल है, करेक्ट, तो जीएसटी इज पेबल, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 24, मिस्टर खिलाड़ी कुमार इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ खिलाड़ी इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, द कंपनी इज लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन जीएसटी विथ ऑफिस एंड फैक्ट्रीज इन मुंबई। मिस्टर खिलाड़ी कुमार हैज डिसाइडेड टू सेंड फूड ग्रेन्स एंड अदर रिलीफ मटीरियल वर्थ ₹50 lakh एंड ₹20 lakh रेस्पेक्टिवली थ्रू रेलवे एंड एयरवे टू द साइक्लोन हिट विक्टिम्स इन केरला इन द मंथ ऑफ नवंबर 2018। द कंपनी हैज कॉन्टेक्टेड सुपर एयरलाइन एंड इंडियन रेलवेज टू ट्रांसपोर्ट द मटीरियल फ्रॉम मुंबई टू केरल एंड प्राइस फॉर द सेम हैज बीन डिटरमाइंड एज ₹10 lakh बाय एयर एंड ₹50,000 बाय रेलवे एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। मिस्टर खिलाड़ी कुमार सिक्स योर हेल्प टू डिटरमाइन व्हाट अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड टू गो एयर एंड इंडियन रेलवे इफ एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज 18%। तो रिलीफ मटेरियल भेज रहा है वो, तो इफ यू पीपल रिलीफ मटेरियल जैसे ही आता है तो आप लोग को याद आएगा अरे सर ये तो एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट तो है उसका ट्रांसपोर्टेशन एंट्री नंबर 20 के अंदर किसके लिए, रेलवे या वेसल के लिए, एंट्री नंबर या सीरियल नंबर, और 21 जो मेगा एग्जम्पशन लिस्ट है एनएन 12/2017 सीजीएसटी रेट जीटीए के लिए अगर उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हुई है। लेकिन एयरलाइन का कहीं दिया है क्या, नहीं दिया, इसका मतलब वो एग्जम्प्ट नहीं है। ओके तो 10 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, 50,000 पे नहीं लगेगा, तो 10 लाख के ऊपर क्या टैक्स रेट है 18%, तो 1,80,000 एंड इंडियन रेलवे नील। अब यहाँ ऊपर सुपर एयरलाइन है, यहाँ गो एयर है, लेकिन ठीक है अपने ये टाइपो एरर है आईसीआई का, लेकिन ठीक है अपने को तो आंसर देखना है। सुपर एयरलाइन 1,80,000, इंडियन रेलवे नील। क्वेश्चन 25, मिस्टर मंजोर सिंह सिद्धू इज ए ट्रेड सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम हिज फर्म मेसर्स सिंह ट्रेडर्स, द ऑफिस ऑफ द फर्म इज लोकेटेड इन दिल्ली वेयर इज द गोडाउन आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। मेसर्स सिंह ट्रेडर्स मेड इंटर स्टेट सप्लाई फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 July 2017 टू 31 March 2018 एज फॉलो। दिल्ली टैक्सेबल सप्लाई 20 lakh, 1 lakh, पंजाब एग्जम्प्टेड सप्लाई 6 lakh, उत्तर प्रदेश टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाई 3 lakh ईच रेस्पेक्टिवली, जे एंड के टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाई 8 lakh एंड 3 lakh रेस्पेक्टिवली। Being a GST expert, Mr. Manjoor Singh Sidhu seeks your advice to correctly ascertain the state in which he is required to take registration under GST. जहाँ भी उसकी taxable supply है, चाहे वो एक रुपये की भी हो, तो उसको वहाँ registration लेना पड़ेगा, क्योंकि aggregate turnover is more than threshold. Okay? एक रुपये की भी taxable supply है, तो उधर उसको registration लेना पड़ेगा. तो क्या क्या answer होगा? Delhi, Uttar Pradesh, J&K. पंजाब में एग्जम्प्टेड सप्लाई करता है 6 lakh की, इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। अगर ये साथ में मैं लिख दूं टैक्सेबल सप्लाई 1 rupees, ओनली 1 rupees टोकन अमाउंट, तो आंसर में पंजाब भी जुड़ जाएगा। तो अगर 1 rupee की भी टैक्सेबल सप्लाई है तो उधर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन 26, मिस्टर बुलबुल पांडे इज एन एम्बुलेंस ड्राइवर हु लिव्स इन ए In the NCT of Delhi, he provides driving services to Preeti Heart and Lung Institute PHLI, a super specialty hospital registered in GST in Delhi, for a consideration of ₹25,000 per month. Mr. Bulbul Pandey was instructed to pick up a patient in Gurugram to PHLI. PHLI कहाँ है? Delhi के अंदर, correct? While going from Delhi to Gurugram, he picked up 5 passengers for transportation in the ambulance from Delhi to Gurugram and charged ₹500 from them. Being the GST expert, you are required to ascertain the taxability of transport services provided by Mr. Bulbul Pandey in the ambulance from Delhi to Gurugram under GST Act 2017. Usko pick up karna tha patient Gurugram se, yani Gurgaon se, aur Delhi hospital mein drop karna tha. दिल्ली से वो जा रहा था तो उसने 5 पैसेंजर को बिठा लिया और उनसे किराया ले लिया ₹500, तो पेशेंट को तो सर्विस प्रोवाइड की नहीं उसने, तो बेसिकली इट इज टैक्सेबल सप्लाई।
Question 27. Kosal Industry Private Limited is an unregistered person having head office in Delhi. It has started supplying goods to e-commerce operator all over India. The turnover achieved by its two business verticals during financial year 2018-19 is as follow. Turnover from business vertical located in Delhi 10,50,000. Turnover from second business vertical located in Assam 8,00,000 rupees. As a GST consultant of Kosal Industry Private Limited, you are required to guide Mr. Kosal, Director of Kosal Industry Private Limited, as to which business vertical is liable to be registered under GST. कौन कौन से business vertical है? एक दिल्ली का है और एक आसाम का है. E-commerce operator के through वो all India supply कर रहे हैं, तो obviously they have to register for both. Clear? Question 28. Mr. Kala is a proprietor of Messrs. Kala & Associates registered in GST which deals in sell purchase of used or second-hand cars. During financial year 2017-18, he affected following interstate transaction. Particulars, car 1, car 2, car 3, car 4. इसका purchase price दिया हुआ है और sell price दिया हुआ है. Mr. Kala purchased car 4 from another registered person who charged GST of Rs. 1,30,000 and accordingly Mr. Kala has availed the input credit of the same. Mr. Kala is not familiar with GST provisions, hence he has approached you for determining GST liability. Assume applicable rate of tax is 18%. तो सबसे पहले यूज और सेकेंड हैंड कार से दिमाग से मैं कुछ क्लिक हुआ, मार्जिन स्कीम रूल 32 सब रूल 5 ऑफ जीएसटी रूल्स 2017. मार्जिन स्कीम, व्हाट इज मार्जिन स्कीम? इन केस एनीबॉडी इज डीलिंग इन यूज और सेकेंड हैंड गुड्स, जरूरी नहीं है कार हो, कार के अलावा भी कुछ हो, तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई हो सकता है. तो उसके अंदर उसको किस पे टैक्स पे करना पड़ता है? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस. लेकिन मार्जिन स्कीम के अंदर वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता और बायर भी इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता. कार फोर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल सेल के रूप में ट्रीट होगा. ओके, कार फोर, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले मार्जिन स्कीम के अंदर जो कार वन है, कार टू और कार थ्री है, उसका वैल्यूएशन करते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं. क्या बताया मैंने आपको, कैसे करेंगे? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस. तो कार वन का कितना होगा? 7,50,000 माइनस 5,00,000, 2,50,000, करेक्ट. कार टू का कितना होगा? 2,75,000 माइनस 3,00,000, तो ये तो माइनस में हो गया 25,000. तो रूल 32 सब रूल 5 के हिसाब से अगर माइनस में है, नेगेटिव है, तो जीरो. ओके, यू नीड टू इग्नोर दैट. कार थ्री 6,50,000 माइनस 6,00,000, तो इसका कितना हुआ? 50,000. तो मार्जिन स्कीम के अंदर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा जिसका टोटल होता है 3,00,000 रुपीज. अब जो नॉर्मल है कार फोर, क्योंकि इसका इनपुट क्रेडिट अवेल कर लिया, तो उस पर डायरेक्टली 9,50,000 पे टैक्स लग जाएगा. ओके, क्लियर. तो 3,00,000 इधर और 950, तो 3,00,000 पे अगर अपन 18% लगाएं तो इस पे कितना टैक्स होगा? 54,000. फिर 9,50,000 पे हम लोग टैक्स लगाएं, वही 18% ही लगेगा इसके ऊपर, तो ये कितना होगा देख लेते हैं. 950 इंटू 18% तो आपका हो गया 1,71,000 इसके ऊपर, ठीक है. तो कितना हुआ आपका टोटल? 171 प्लस 54 कितना हुआ? 225. अब क्योंकि ये नॉर्मल स्कीम है, इस रेगुलर प्राइस लगाया है, तो इसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, तो माइनस कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है उसके लिए? 1,30,000. रजिस्टर पर्सन से उसने बाई किया, उसने चार्ज किया 1,30,000 जीएसटी, तो ये उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, तो माइनस 130, तो क्या बच जाएगा? 95,000. सो आंसर इज ए, 95,000. क्लियर. चलिए अब आगे. क्वेश्चन 29. जुड़ेलाल पालकी वाला इन कंपनी इज ए फर्म ऑफ एडवोकेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब.
It provides legal consultancy services to various clients. It has provided consultancy services of ₹50,000 on 5th September to Burger Queen Private Limited, a registered business entity located in Sikkim. Burger Queen Private Limited achieved a turnover of ₹15 lakh in the preceding financial year. The law firm raised proper invoice on the Burger Queen Private Limited on 25th September. Calculate the taxability of about transaction if applicable rate of tax is 18%. तो सबसे पहले ये रिवर्स चार्ज के अंदर आएगी सर्विसेज और उसके बाद ये 45 सीरियल नंबर के अंदर एग्जम्प्ट होगी क्या जो मेगा एग्जम्पशन लिस्ट है सिक्किम है तो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्या हो गई 10 लाख रुपीस उसकी है कितनी 15 लाख तो एग्जम्पशन अवेलेबल है क्या नहीं है बर्गर क्वीन को तो बर्गर क्वीन हैज टू पे ऑन रिवर्स चार्ज 50,000 इंटू 18% 9,000 रुपीज पेबल बाय बर्गर क्वीन क्वेश्चन 30 मेसर्स विशु मेगा मार्ट Operating a store located and registered in Rajasthan has come out with big discount offer at the time of Diwali on various gift items. In order to attract more customers, it has decided to supply a gift pack containing 5 packets of Haldiram's Namkeen, taxable at the rate of 12%, 1 packet of roasted smoked almond, 100 gram taxable at the rate of 18%, 1 packet of Bonville chocolate 50 gram taxable at the rate of 28% and 1 bottle of real fresh juice 1 liter taxable at the rate of 18% in a single basket for a single price of ₹1000 state the type of supply and the tax rate applicable on the same so section 8 of CGST ke hisab se mix supply ho jayega single price hai maine pichle MCQ mein bhi aapko kafi baar bataya tha कि अगर सेपरेट प्राइस है तो वो मिक्स सप्लाई नहीं होता लेकिन अगर सिंगल प्राइस है तो मिक्स सप्लाई है और मिक्स सप्लाई होते ही हाईएस्ट रेट 28% एप्लीकेबल हो जाएगा तो करेक्ट आंसर इज व्हाट मिक्स सप्लाई हाईएस्ट टैक्स रेट आउट ऑफ ऑल आइटम इज 28% एप्लीकेबल टू चॉकलेट्स ओके 31 क्वेश्चन नंबर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सर्विसेज बाई एनी आर्टिस्ट बाई वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोल्क और क्लासिक आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस और थिएटर एज ए ब्रांड एम्बेसडर इफ द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1,50,000 इज एग्जाम लगता है ICAI को है ना फोक डांस से बहुत ज़्यादा प्यार है तीसरा MCQ है करेक्ट तो ब्रांड एम्बेसडर है तो एग्जाम नहीं है सीरियल नंबर क्या अब तो आपको याद हो गया होगा 78 नंबर Services of life insurance business under life micro insurance product as approved by the IRDA having minimum amount of cover of ₹2 lakh is exempt. तो ये क्या है मिनिमम अमाउंट की जगह मैक्सिमम है तो इन्होंने क्या किया मिनिमम को रिप्लेस किया मतलब मैक्सिमम को रिप्लेस किया मिनिमम से तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या ये भी करेक्ट नहीं है एंट्री नंबर या सीरियल नंबर ये 36 है Services by an acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount up to ₹2,500 in a single transaction transacted through credit card, debit card, charge card or other payment card services exempt. तो ये serial number 34 के अंदर आएगा लेकिन amount कितना उसमें 2000 है तो ये भी गलत है okay? Services provided by a GTA By way of transport in a goods carriage of goods, where gross amount charged for the transportation of goods on a consignment transported in a single carriage does not exceed ₹750 is exempt. तो इसमें भी आपको confused नहीं होना है इसके अंदर 750 जो है वो single consignee word है और single carriage के लिए कितना है 1500 है तो ये भी गलत है तो चारों के चारों गलत है तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे लिए कौन सा होगा डी नन ऑफ द अबव ओके 32 एएससी ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइड गुड्स अमाउंटिंग टू ₹1,18,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी टैक्सेबल एट 18% टू बीएससी ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑन 39/2018 बीएससी फर्दर सोल्ड सच गुड्स टू सीएससी ए कंज्यूमर हु केम टू इट्स शॉप ऑन 30/10/2018 इन केस फॉर ₹2,36,000 inclusive of GST taxable at the rate of 18% ASC issued a credit note of ₹11,800
10,000 plus 1800 GST for rate difference on 211-2018 to BSC. BSC then enter a credit note in his books for the same amount in the name of CSC. Without intimating CSC on 211-2018 and reduce its output tax liability accordingly. As per the provision of GST law, which of the above mentioned supplier allowed to reduce their output tax liability? So, सबसे पहले section कौन सा होगा? Section 34. Debit and credit note, correct? अब ASC ने तो क्या किया? BSC को दिया और BSC ने मान लीजिए उसने output tax liability कम की तो उसने input tax credit भी कम कर दिया. लेकिन जो BSC ने intimate ही नहीं किया CSC को, credit note issue किया लेकिन intimate नहीं किया, तो ये अलाउ हो गया क्या? नहीं अलाउ होगा. तो किसको अलाउ होगा? केवल ASC को अलाउ होगा. ओके, क्वेश्चन 33. मिस्टर अलाउद्दीन ए स्टेशनरी रिटेलर लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इलाहाबाद हैड रिसीव्ड ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख ऑन 12 नवंबर 2018 फ्रॉम अनदर लोकल रजिस्टर्ड डीलर मिस्टर जलालुद्दीन. गुड्स वर प्रॉपरली सप्लाइड विथ इनवॉइस ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन 14 नवंबर 2018. मिस्टर अलाउद्दीन इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस बिफोर द गुड्स वर डिलीवर्ड टू मिस्टर जलालुद्दीन. पैकिंग चार्जेस 3,000, फ्रेट एंड कार्टेज 2,500, हैंडलिंग चार्जेस 1,500. मिस्टर जलालुद्दीन मेड फुल पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर विच ही वॉज अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 2,000. द रेट ऑफ टैक्स ऑन द गुड्स सप्लाइड इज रुपी IGST एट द रेट ऑफ 18%, CGST एट द रेट ऑफ 9%, SGST एट द रेट ऑफ 9%. मिस्टर अलाउद्दीन पेड CGST रुपीज 18,000, SGST 18,000. एज ए टैक्स कंसल्टेंट व्हाट विल बी योर एडवाइस रिलेटिंग टू फर्दर टैक्स लाइबिलिटी टू मिस्टर अलाउद्दीन. तो ये 2 लाख के ऊपर तो इसने पे कर दिया, इंटर स्टेट सप्लाई है तो ये तो पे हो गया. इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस उसने वसूल किए. ओके, क्या? पैकिंग चार्जेस 3,000, फ्रेट एंड कार्टेज 2,500, हैंडलिंग चार्जेस 1,500, टोटल 7,000 रुपीज. तो सेक्शन 15 के हिसाब से इसके ऊपर भी 18% टैक्स लगेगा. प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से इसके ऊपर टैक्स रेट लगेगी. तो इसके ऊपर 18% मतलब 9% CGST, 9% SGST लगेगा. तो 630 CGST और 630 SGST लगेगा. अब बात आती है कि ये 2,000 रुपीज जो कैश डिस्काउंट है उसका क्या होगा? तो ये अलाउ नहीं होगा क्योंकि जब इसने सप्लाई किया उस समय रेडी, मतलब उस समय इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं था, इनवॉइस के ऊपर तो आया ही नहीं. ठीक है, तो इनवॉइस के ऊपर तो ऐसे भी नहीं है. आफ्टर सप्लाई कब अलाउ होता? अगर इनके बीच में एग्रीमेंट होता तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये अलाउ हो जाता, अदरवाइज ये अलाउ नहीं है. ठीक है, तो वो 2,000 रुपये डिस्काउंट दे सकता है लेकिन वो GST रिवर्स नहीं करेगा. ओके, तो हमको तो क्या GST के हिसाब से देखना, 7,000 पे उसको टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी. 630 630, तो करेक्ट आंसर इज CGST रुपीज 630, SGST 630. क्वेश्चन 34. मिस्टर रुपेश पटेल इज वॉलंटरी रजिस्टर अंडर GST हैविंग टर्नओवर रुपीज 15 लाख. He is practicing company secretary providing professional services from his partnership firm located in Chandigarh to his various clients. He has taken some interior decoration services from abroad for a residential home owned in the name of the firm which is under construction in Chandigarh. He has paid rupees 2 lakh for the same. In view of the above information, state the correct option. GST is payable on the interior decoration services received from abroad. Absolutely correct. Consideration pay किया है. Okay. तो इसको GST liability का payment करना पड़ेगा. Okay. So this is the correct option. पहली बार में मिल गया तो इसलिए बाकी पढ़ने की अपने को अब जरूरत नहीं है. Question 35. Messrs. Shahrukh BD Company Private Limited is a manufacturer of cigarette. It has been registered under GST in the state of West Bengal. The turnover of the company from the period April 2018 to March 2019 is Rs. 90 lakh. The excise duty paid on the cigarette removed is Rs. 10 lakh. CGST and SGST paid on the cigarette is 18 lakh rupees. The company also recovered actual freight of Rs. 5 lakh on the supply of cigarette so made during the financial year 18-19.
and also charged CGST, SGST thereon. The company paid RCM at the rate of 5% while availing the services of GETA of Rs. 5 lakh. Compute the aggregate turnover of Messrs. Sarukh BD Company Private Limited. तो हमको सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के हिसाब से एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले 90 लाख तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है. अब एक्साइज ड्यूटी शामिल करनी है कि नहीं करनी है, तो मैं हमेशा एक स्टेटमेंट देता हूं कि जीएसटी अपनी फैमिली को टैक्स मानता है, बाकी को टैक्स नहीं मानता. और जीएसटी एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी लेवी होता है, तो इसलिए 10 लाख रुपए भी अपन शामिल करेंगे. और याद रखना, टबेको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लेवीएबल होती है और जीएसटी भी लेवीएबल होती है. और जीएसटी जब अपन लेवी करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट शामिल करके करते हैं. तो 90 लाख प्लस 10 लाख 1 करोड़, उसके ऊपर जीएसटी लगा होगा 18%. ओके, तो 18 लाख आ गया. तो ये हो गया 90 लाख, ये 10 लाख एक्साइज ड्यूटी का. अब तीसरा एक्चुअल फ्रेट, ये शामिल होगा कि नहीं होगा. तो इसमें सबसे पहले कंफ्यूजन स्टूडेंट को क्या आता है कि सर ये तो शामिल नहीं होगा ना, क्लियर कट एग्रीगेट टर्नओवर में लिखा हुआ है. करेक्ट, जो आपने प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज की है, ओके, जिसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज भरना है, वो शामिल नहीं होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि ये इसने रिकवर किया है और फिर उसने पे किया है, तो जो पे किया वो तो शामिल नहीं होगा, बिकॉज दैट इज एनीवे सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज. इसने रिवर्स चार्ज पे भी किया है, और लेकिन जो वो रिकवर कर रहा अपने कस्टमर से, वो तो उसका टर्नओवर हो गया ना, और उसके ऊपर बाकायदा वो देखो सीजीएसटी एचजीएसटी भी चार्ज कर रहा है, क्योंकि ये प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी, जो भी उसका प्रोडक्ट है वो, तो उसकी टैक्स रेट के ऊपर से ये फ्रेट भी वो रिकवर कर रहा है, उसके ऊपर उसको टैक्स भी भरना पड़ेगा जो उसने टबेको के ऊपर यानी कि सिगरेट के ऊपर भरा है. ओके, तो ये 5 लाख रुपीज शामिल होगा. तो कितना हो गया एग्रीगेट टर्नओवर, 1 करोड़ 5 लाख. दिस इज आवर आंसर. देखते हैं कौन सा ऑप्शन है. ये है डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन 36. मिस्टर सलमान खान ए रेसिडेंट ऑफ मुंबई हैज बुकड ए वीडियो कॉन D2H कनेक्शन एट इज अदर होम इन दिल्ली. हिज फ्रेंड शाहरुख खान इज रेसिडेंट ऑफ केरला, पेड द चार्जेस फॉर सलमान D2H कनेक्शन इन दिल्ली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल इंस्टॉलेशन. मिस्टर शाहरुख खान वेंट टू कोलकाता आफ्टर मेकिंग द पेमेंट. बोथ सलमान खान एंड शाहरुख खान आर नॉट रजिस्टर्ड जीएसटी. डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ D2H सर्विस प्रोवाइडेड बाई वीडियो कॉन टू मिस्टर सलमान खान. किसके अंदर आएगा, 12 सब सेक्शन 11 ऑफ IGST एक्ट. तो POS क्या होगा, D2H फिक्स्ड लाइन, इनके मामले में क्या होता है, जहां इंस्टॉलेशन है. कहां इंस्टॉलेशन किया, दिल्ली के अंदर. तो दिल्ली इज करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन 37. मिस्टर सुनील शेट्टी ए रेसिडेंट ऑफ मुंबई वेंट टू वैष्णो देवी बाई ट्रेन. मिस्टर सुनील शेट्टी आफ्टर विजिटिंग वैष्णो देवी टेम्पल परचेज ए जियो प्रीपेड सिम फ्रॉम टनटन कम्युनिकेशन इन जम्मू बाई पेइंग कैश. मिस्टर सुनील शेट्टी took the Jio SIM and the same day boarded the train to Delhi. He went to Agra thereafter to visit Taj Mahal. Determine the place of supply of Jio SIM by Tantan Communication to Mr. Sunil Shetty. Again, कौन सा section, 12 sub section 11, जो हमने ऊपर ही discuss किया था, ठीक है, of IGST Act. इसके मामले में prepayment हुआ है, तो वो जो prepaid services ये सब होती है, उसके अंदर क्या होगा, location where such prepayment received, correct? तो कौन से लोकेशन पे है, जम्मू. तो करेक्ट आंसर इज बी, जम्मू. क्वेश्चन 38. मिस्टर चमचम रजिस्टर अंडर जीएसटी इन दिल्ली. इज ए डोमेस्टिक ट्रेडर, इज आल्सो एन एक्सपोर्टर ऑफ होलसेल गुड्स. इज एनुअल टर्नओवर एंड इनपुट टैक्स डिटेल्स आर एज फॉलो. टैक्सेबल गुड्स टर्नओवर इनपुट 90 लाख, टैक्स पेड ऑन 9 लाख. एग्जम गुड्स टर्नओवर इनपुट 10 लाख, टैक्स पेड ऑन 1 लाख. एक्सपोर्टेड गुड्स टर्नओवर इनपुट 15 लाख, टैक्स पेड ऑन 2 लाख. नो जीएसटी इज पेबल ऑन एग्जम्प्ट एंड एक्सपोर्टेड गुड्स. मिस्टर चमचम सीक योर एक्सपर्ट हेल्प इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ITC विच ही इज एलिजिबल टू क्लेम. तो क्या होगा, एलिजिबल ITC इसका 9 लाख, टैक्सेबल गुड्स पे इसको मिलेगा और एक्सपोर्टेड गुड्स के भी मिलेगा, क्योंकि ये जियो रेटेड है, करेक्ट. एग्जम गुड्स पे नहीं मिलेगा. तो 11 लाख इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन 39. मिस्टर प्रभु देवा रजिस्टर अंडर जीएसटी इन मुंबई इज इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मार्बल हैंडीक्राफ्ट आइटम डोमेस्टिकली इज आल्सो एक्सपोर्टिंग द सेम.
His annual turnover and input tax details are as follow. Taxable goods, turnover input tax 1 crore 25 lakh, tax paid on 12 lakh 50 thousand. Exported goods 75 lakh, 5 lakh 50 thousand. Exempt goods 50 lakh, tax paid on 5 lakh. Mr. Prabhudeva exported the goods under LUT without payment of IGST. Now Mr. Prabhudeva seeks your help in calculating the amount of refund of ITC which he is eligible to claim. अगर IGST का पेमेंट किया होता तो हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, लेकिन ये LUT के अंदर है तो इसका मैक्सिमम रिफंड अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा. करेक्ट, निकालना पड़ेगा ना सेक्शन 54 के अंदर. तो क्या होगा वो, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, दोनों का टोटल कितना है वो लेंगे. तो वो कितना है, 18 लाख 550 प्लस 1250. ओके, फिर एक्सपोर्टेड गुड्स कितना है, 75 लाख. और टैक्सेबल गुड्स कितना है, 1 crore 25 lakh. लेकिन हमको क्या चाहिए, एडजस्टेड टर्नओवर. करेक्ट, तो दोनों मिला के कितना होगा, 2 करोड़. ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितना हमको रिफंड मिलेगा. तो 18 लाख इंटू 75 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ रुपीज, तो 6,75,000 का हमको रिफंड मिलेगा. करेक्ट, क्या किया मैंने आपको मालूम है ना, इन दोनों का लिया, क्योंकि इसके ऊपर तो आप ले नहीं सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जम्प्ट गुड्स के ऊपर, तो इन दोनों के ऊपर अवेलेबल होगा, लेकिन हम लोग को रिफंड का अमाउंट निकालना पड़ेगा. तो 18 लाख इंटू एक्सपोर्ट का कितना टर्नओवर है वो, डिवाइडेड बाई एडजस्टेड टोटल टर्नओवर. ओके, तो ये हमारे को रिफंड का अमाउंट मिल गया. क्वेश्चन 40, स्टेट whether the following statement are true or false. Geo rated supply means supply of any goods or service or both which attract nil rate of tax. Nil rate of tax to exempt hota hai, so this is false. Exempt supply means export of goods or services or both, or supply of goods or services or both to a special economic zone developer or special economic zone unit. To ye to geo rated hota hai, so this is also false. Supply to SCZ kya hota hai, supply to SCZ kya hota hai, geo rated hota hai. Correct. नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ विच इज नॉट लेवियबल टू टैक्स अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 बट लेवियबल टू टैक्स अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017. रॉन्ग, क्योंकि दोनों में वो लेवियबल नहीं होगा, ये भी फॉल्स है. आईटीसी में भी अवेल्ड फॉर मेकिंग जियो रेटेड सप्लाई ऑफ एग्जम गुड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट. एग्जम गुड्स के ऊपर आईटीसी अवेलेबल नहीं होता इन केस ऑफ डोमेस्टिक, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसको जीरो रेटेड माना जाएगा और आईटीसी अवेलेबल होगा. इसका हमने पहले एमसीक्यू भी किया था. करेक्ट, तो ये ट्रू, तो आंसर इज फॉल्स 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 ट्रू मींस ए ऑप्शन. ओके, सो दिस एंड आवर डिस्कशन ऑन आईसीआई एमसीक्यू. चार पार्ट थे, चारों के चारों पार्ट हमने कवर कर लिए. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.